सर जन स्वाभिमन से आपने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, तो सर अब सबसे पहले आपको एक कार्यकर्ता माना जाए, इस पार्टी का लीडर माना जाए, आपने सबसे पहले कहा कि पार्टी नहीं है, तो क्या है सर ये मंच? जन स्वाभिमान मंच ये जन जन के लोगों की भावना का केंद्र का स्थापित ये जन स्वाभिमान मंच ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ जाति धर्म लिंग भेद पर कुछ भी नहीं, यहाँ खाली मानवतावादी हम लोग चाहिए हमें, और वो मानवतावादी लोग आने वाले समय में राजस्थान की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे, क्योंकि पार्टियां जाति धर्म मजहब के नाम पर हमें लड़ाने का काम करती है, ये जन स्वाभिमान मंच सबको गले लगाने का काम करेगा। लेकिन सर जैसा कि राजस्थान की जो राजनीति है उसका जो नेचर है वो जातिवाद से ऊपर अभी तक उठ नहीं पाया है, तो आप ऐसे आने वाले समय में क्या कार्य करेंगे कि राजस्थान की राजनीति जातिवाद से ऊपर उठ जाएगी? हम लोग यही काम करेंगे कि हम संविधान की रक्षा हेतु पूरे प्रदेश भर में एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकालेंगे और जन जन को इस पर जगाने का काम करेंगे और एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिससे आने वाले समय के लिए राजस्थान की जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं ये वापस पुनः अपनी पटरी पर आएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन सर राजस्थान में ऑलरेडी दो बड़ी पार्टियां ऑलरेडी हैं, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन फिर जनता आपको क्यों आपको चुनेगी या फिर आप क्यों आपकी फॉलो? जनता हमें जरूर चुनेगी नहीं, जनता हमारी बात को मानेगी और स्वीकार करेगी, क्योंकि वो खुद पीड़ित है। आप देखते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर वोट दिया जाता है, जाति धर्म के आधार पर टिकट बांटा जाता है, जिन लोगों को टिकट मिलना चाहिए उनको टिकट प्रॉपर मिल नहीं पाता, इसलिए अपनी बात को रख नहीं सकते। कुछ अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो वास्तव में जाना चाहते हैं राजनीति में, पर उनको उठाने वाला कोई नहीं है। उनको उठाने के लिए हमारी पीड़ा हम जनता के सामने जाकर रखेंगे, और उससे मुझे लगता है कि हमारी पीड़ा को सुन करके एक लंबी चैन हमारे साथ बनेगी, और पूर्ण रूप से हमें विश्वास है। और देखो, हम सन्यासी हैं और सन्यासी का दायित्व होता समाज सुधार की बात करना, जातिवाद से उठकर हम ऊपर बात करना चाहेंगे। तो ये थे समता महाराज जी, जिनका मानना है कि आने वाले समय में वो चुनाव और जातिवाद से ऊपर उठकर आम जनता के लिए काम करने के लिए बने हुए हैं, और इनका मूल उद्देश्य जनता के लिए काम करना है, ना कि चुनाव लड़ना। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।